Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Dhanyavad, Prabhu. Dhanyavad. 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 धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद हो प्रभु जी. आपके नाम की जय जयकार. हालेलुया 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 हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. धन्यवाद हो पास्टर चंद्र जी. आप प्रार्थना करें. मैं भेज रहा हूँ. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਾਲੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਮਰਥੀ ਲਹੂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ. ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਰੀ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਮਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ. ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਿਮਿਤ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਤੁਸਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਮਿਤ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਣੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸ ਖੁਦੀ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰ ਦੁਆ ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਜੰਦ ਕਰੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਸਭ ਕੰਪਲਾਈ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਇਸ ਰਾਜਾ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਸਲੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪਾਉਣ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਤੇ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ. ਤੇਰੀ ਆਮਦ ਖੁਦਾ ਬੰਦ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾ ਬੰਦ ਆਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਗਣਾ ਕੰਮ ਬਿਆਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਖੁਦਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲੋਰਡ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਧੰਨਵਾਦ. ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਲੋਰਡ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ. ਸਾਮ 48 ਜ਼ਬੂਰ 48. ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੱਥ ਸੱਚਾ ਸੱਜਾ ਤੇਰਾ ਸੱਚਿਆਈ ਨਾਲ ਰਹਿਮਾ. ਨਾਮ ਪਾਕ ਹੈ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ
खुदा नाम पाक है जेहा तेरा आते ही है खुदा जमी दिया दाती कर हमद तेरी है सदा जमी दिया दाती कर हमद तेरी है सदा खुश है सहून पहाड़ यहूदा दियां बेटियां खुश हुंदियां नारे सियोन दवाले फेरो बुर्ज गिनो आलीशान सहून दवारे फेरो बुर्ज गिनो आली शान ते ओदी शहर पनाते दिल नाल करो त्यां तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते त्यां की है खुदा हमेशा असाडा है खुदा हाँ मर दे दम ती कर हिदायत करेगा हाँ मर दे दम ती कर हिदायत करेगा तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान भरपूर हथ सज्जा तेरा सच्चाई नाल रहमान हालेलुया 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 प्रभु तेरे लहू की जय तेरा धन्यवाद 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 हो प्रभु तेरा धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद 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 हो धन्यवाद हो हालेलुया 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 एलोहीम एल शदाय 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 एलोहीम अल शदाय शदाय अल शदाय एलोहीम एल शदाय हालेलुया 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 एलोहीम एल शदाय 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 ब्रदर ललित के साथ प्रार्थना करेंगे धन्यवाद 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 प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी अब तक प्रभु जी आपने हमें बचाए रखा प्रभु जी इस जीवन के लिए इस नए दिन के लिए हर उस क्षण के लिए प्रभु जी जो आपने हमको दिया प्रभु जी हम उसका धन्यवाद करते हैं हे या अगर तू अधर्म का लेखा ले तो हे मेरे प्रभु तेरे आगे कौन खड़ा हो सकता है प्रभु लेकिन तू क्षमा करने वाला है दया करने वाला है अनुग्रहकारी कोप करने में धीरज अति करुणामय और सत्य हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला अधर्म अपराध और पाप को क्षमा करने वाला परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना जानेगा पर पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वर्ण पोतों और परपोतों को भी देने वाला है तो हे मेरे प्रभु हे मेरे सनातन प्रभु जी तू परमेश्वर है तो सनातन है परमेश्वर तू पहले खुदावन उसके बाद सनातन क्योंकि तू आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है खुदावन हे करूबों पर विराजने वाले हमारे गिड़गिड़ाहट हमारी तड़प पे अपने कान को लगा खुदावन उन्हें हमारी आवाज सुनी खुदावन लेकिन हमने तेरे हमारे पूर्वजों ने ना तेरे भविष्यताओं की सुनी ना तेरी सुनी प्रभु
ते हे प्रभु हमको स्वर्गीय बुद्धि स्वर्गीय समझ दे। जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने करी खुदावन वो हम ना करें, लेकिन फिर भी हम पाप में गिरते हैं। तू दयालु है क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया कि अपने हमारे पापों के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को रखना छोड़ा। प्रभु जी वो आया, वो मारा गया, वो कुचला गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया, उसको थप्पड़ मारे गए प्रभु जी, उसको गाली दी गई, लेकिन मेरा प्रभु कभी पलट के गाली नहीं देता था। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, तेरे उस पवित्र दिव्य जलाली सलीबी मौत को पुकारता हूँ प्रभु जी। मैं तेरे सलीब की तरफ देखता हूँ खुदावन, और अपने गुनाह, अपने पाप, अपनी अपवित्रता, अपनी मलिनता, अपनी हरामकारी, बदकारी, जनाकारी प्रभु जी सब कुछ मेरे डीएनए के अंदर है, लेकिन तेरा दिव्य लहू है, तेरा ही लहू है खुदावन जो मेरे इस रक्त को साफ करेगा। मेरा विश्वास है मेरे खुदावन, हालेलुया प्रभु जी, तू हमें जिंदा करेगा, तू हमें जिंदा करेगा, तू हमें जीवन देगा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर खुदावन, दया कर, करुणा कर प्रभु जी। मैं तेरे पवित्र दिव्य जलाली खून को मैं अपने पास्टर, पास्टर डॉक्टर विनोद कनोडे पे छिड़कता हूँ खुदावन। वो तेरा सच्चे सुसमाचार को दुनिया तक पहुंचाते हैं खुदावन, उनको बाड़े में रखना, उनके परिवार को बाड़े में रखना, उनके तीनों बेटों में मैं तेरे दिव्य जलाली रक्त को खोलता हूँ। मैं भाभी पे पवित्र कोड़ों की कुदरत को खोलता हूँ, मैं उनकी माता पे यीशु मसीह तेरे पवित्र कोड़ों की कुदरत को खोलता हूँ खुदावन, और उनके पूरे खानदान पे यीशु मसीह मैं तेरे पवित्र दिव्य सलीब को लगाता हूँ खुदावन। उनके घर में बाड़ा करता है पवित्र दिव्य अलफताओं को लगाते हैं खुदावन, यहोशा हमाशिया प्रभु जी, हर शक्तियां, हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, छूने न पाए क्योंकि तेरा दिव्य रक्त लगाया अलफताओ या हुशा मशिया रूहा का को दोष असखई मसखा नवदू पहाई देखे रही मसखा दरी माना और जोहर बदो खोई मशखा दे बेना सखन धकन रूई असखो जे जहा दुखो मरा दहा सेके दे जखदम दमरा इल्लहि अल्लाह रूह शकन मदी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु हम भाई ललित को, इनकी पत्नी को, इनके बच्चों को तेरे लहू में छिपाते हैं, इनके इन लॉज को प्रभु तेरे मोक्ष के बाड़ा में लेके आते हैं, जहां पे तेरा उद्धार, तेरा उद्धार धारा की नाई बहता है, जहां पे करुणा एक होता है, जहां पे बर्रे का खून हर अधर्म को धोता है, जहां तेरे दुखों का बाड़ा है, जहां तेरी हजूरी की उपस्थिति की पवित्र अग्नि धधकती है। हे जीवित परमेश्वर, सनातन काल के यहोवा, हम तेरे शरणागत होते हैं। तू अपने डरवैयों पे दया करता है, तू उन्हें कभी नहीं भूलता, तू वाचा का परमेश्वर है प्रभु, तूने हमारी सूरत को अपनी हथेली पे खोद के बनाया है, तेरी आंखें हमारी शहनाह पे लगी है प्रभु। तू ऐसे तालिबों को, ऐसे प्रभु मुश्ताकों को, ऐसे भूखों को ढूंढता है जो तेरी और निहारें, तेरी बात जोहें खुदावन, के ऊपर एक गहरा अभिषेक मिले, तुझे खोजने का, तेरी हजूरी के तालिब बनने का प्रभु एक गहरा अभिषेक ले ले, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। ब्रदर मुझे बुखार आ रहे हैं, बुखार आ रहा है, मैं इस बुखार को झिड़कता हूँ, इस बुखार को डांटता हूँ यीशु के नाम में प्रभु, तेरा रूह इस भाई के बदन में काम करे यीशु मसीह, आमीन। जय मसीह जी, जय मसीह। प्रभु मैं तारा बंसल को, इनके घराने को आपके आगे लाता हूँ प्रभु, इनके जीवनों में गहरा काम करना प्रभु, इन्हें अपनी गहरी पहचान देना प्रभु, इन्हें अपने वचन के खोजी बनाना, अपने चेहरे की तलाश करने वाले भूखे प्यासे लोग बनाना, इनके घराने में काम करना, हर श्राप, हर बंधन, हर जुआ यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में टूट जाए, तेरे जलाली टूटे, तेरे जलाली नाम टूटे, तेरे जलाली नाम में टूटे, हालेलुया, तेरे जलाली नाम में हर बंधन टूटे प्रभु, टॉली बंसल पे, दीप बंसल, उसके परिवार पे, आरोही आरुषि पे, और खुदावन इसके घराने के उस बच्चे के लिए जो सिख है खुदावन, इनकी बेटी का बच्चा, उस पे तेरा लहू छिड़क देते, उस पूरे घराने तेरी आशीष, तेरी कृपा को बोलते, तेरा लहू काम करे यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन हालेलुया। पास्टर जी जय मसीह, जय यीशु मसीह की, यीशु मसीह हालेलुया। मेरी मदद नु रब आके आया, जिसने धरती आकाश बनाया,
मेरे पैरानू दे दे खुला मदद लई यस्सू नू पुकार। आज सुबह हम तुरियों के भेद पे बात कर रहे थे। मैं आपको बता रहा था एक तुरी है जो यहोवा परमेश्वर की तुरी है, ब्रदर साहिल गौरी जैमसी की, पाकिस्तान में परमेश्वर का आत्मा काम करे। स्वीट रोमा, वो हमारी एक बहन लिखती थी इंग्लैंड से। ब्रदर साहिल गौरी अगर आपके कांटेक्ट में है उससे बात करना, वो हमारे झुंड से बिछड़ गई वो बहन। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा था जकरिया 9:14 में यहोवा की एक तुरी है, और पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17 में उस तुरी का जिक्र है। पहला कुरिन्थियों 15:51-52 में वो तुरी परमेश्वर फूंकता है और मुर्दे विनाशी दशा में जी उठते हैं, और हम जो जीवित हैं वो प्रभु मिलन के लिए हवा में उठा लिए जाते हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य 10:7 में भी एक तुरी है जो सातवां एंजल फूंकता है। मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए प्रकाशित वाक्य 10:7, सुनिए कैसे परमेश्वर के वचन की शिक्षा को कई प्रचारक तोड़ मरोड़ देते हैं और परमेश्वर की शिक्षा को धूमिल कर देते हैं कि लोग परमेश्वर की मनसा समझ नहीं पाते। प्रकाशित वाक्य 10:7, वरन सातवें स्वर्गदूत के तुरी फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जिस शब्द को, शब्द बातें कर रहा है, परमेश्वर का कलाम बातें कर रहा है, जा जो स्वर्गदूत समुन्द्र और पृथ्वी पे खड़ा है उसके हाथ में खुली पुस्तक ले ले। मैंने उस स्वर्गदूत के पास जाके देखा, ये छोटी पुस्तक, कहा मुझे छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने कहा ले ले खा ले, ये तेरा पेट कड़वा करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेके खा गया, वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी हो गई, मधु सी मीठी लगी पर जब खा गया तो पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे ये कहा गया तुझे बहुत सी जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। जब सातवीं तुरी फूंकी जाती है, ये एक विशेष तुरी है, ये वो तुरी नहीं है जिसके विषय में पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17 में, पहला कुरिन्थियों 15:51-52 में लिखा है, या जकरिया 9:14 में जिसकी बात की जा रही है। ये तुरी परमेश्वर की तुरी है जो फूंकी जाने वाली है, नरसिंगा, और प्रभु का आगमन होने वाला है और मुर्दे जो प्रभु में सोए हैं विनाशी दशा में उठने वाले हैं और हम नया शरीर हासिल करने वाले हैं। तो ये तुरी के बाद परमेश्वर का दास यूहन्ना एक महान स्वर्गदूत के हाथों में छोटी पुस्तक है, छोटी पुस्तक से लेके खा जाता है, पेट में कड़वी और मुंह में मधु की तरह मीठी है। तब प्रभु का दूत उसे कहता है कि इसे खाने के बाद तूने क्या करना है, बहुत सी जातियां भाषाओं राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी है। तो देखिए भविष्यवाणी कब शुरू होती है, भविष्यद्वक्ता कौन है जिसे परमेश्वर ये कलाम की किताब खाने को देता है। जब वो खा लेता है अंदर तो उसके अंदर से बाहर निकलती है ये। भविष्यद्वक्ता तब तक कोई नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर उसे खाने के लिए अपना कलाम नहीं देता। हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्य में ये सातवें दूत की सातवीं तुरी अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि कलीसिया 7 से होके गुजरेगी, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाशित वाक्य 10:7 में सातवां स्वर्गदूत अंतिम तुरी फूंकता है और वो कहते हैं इसके बाद कलीसिया उठाई जाएगी। ये सत्य नहीं है। मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, सुने, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 29-30 वचन आपके लिए पढ़ता हूं। ये प्रभु यीशु की भविष्यवाणी है। सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी करता है। ये यीशु मसीह का ऑलिवेट डिस्कोर्स है, जैतून के पहाड़ पे दिया गया उपदेश। तो क्या कहता प्रभु, उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे
और आकाश की शक्तियां हिला दी जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, वह आकाश के एक शोर से उस शोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। प्रभु अपनी प्रजा को उठा लेगा। हालेलुया। अब मैं आपको इसको कनेक्ट करने के लिए प्रकाशित वाक्य में लेके चलता हूं। वचन को कैसे समझना है, कहां वचन की कड़ी कहां जुड़ती है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि और समझ हमें परमेश्वर के आत्मा से प्राप्त करना अनिवार्य है। तो प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में चलिए। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और मैं उसका आपके लिए पढ़ता हूं। प्रकाशित वाक्य 6:12 पढ़ता हूं, सुनिए। जब उसने 6ठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और चांद लहू के समान लाल हो गया। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की मत्ती 24:29-30-31 में। पूरे 24 अध्याय में यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहा है अंत के दिनों की। तो यीशु मसीह की ये भविष्यवाणी मत्ती 24:29-30-31 की प्रकाशित वाक्य 6:12 में पूरी हो रही है। भूकंप हुआ बहुत बड़ा, सूर्य काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश के तारे गिरने लग पड़े, और एस्ट्रियन ग्रीक वर्ड है, ऊपर से एस्टेरॉयड जमीन पे गिरने लगे, और सूर्य काला और चांद लहू की तरह लाल हो गया। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्थर लपेटने से सरक जाता है। दूसरे पत्रस की पत्री में पत्रस कहता है, ब्रह्मांड के एलिमेंट आग से पिघल जाएंगे और परमेश्वर एक कपड़े की चद्दर की नाई आकाश को लपेट देगा, स्क्रोल की तरह इकट्ठा कर देगा, जैसे पढ़ने के बाद तोरा परमेश्वर के कलाम के स्क्रोल को लपेट दिया जाता है, ऐसे परमेश्वर लपेट देगा। हालेलुया। और लिखा है, हर एक पहाड़ और टापू अपने स्थान से टल गया। हर पहाड़ हर टापू अपने स्थान से टल गया, और लोग कहने लगे चिल्ला के, मेमने के क्रोध से कौन हमें बचाएगा। 7 परमेश्वर के क्रोध के कटोरे उंडेले जा रहे हैं, उससे पहले 7 मोहरें तोड़ी जा रही हैं। पृथ्वी पे क्रोध आ रहा है परमेश्वर का, पृथ्वी पे न्याय आ रहा है, उसके बाद 7 कटोरे उंडेले जा रहे हैं, 7 तुरियां फूंकी जा रही हैं, जिसके बाद और दंड और सजा और कलेश पृथ्वी के ऊपर आ रहा है। हालेलुया। तो भाई और बहनों, यहां पे प्रकाशित वाक्य में जो हम पढ़ रहे हैं, मैं और कुछ वचन आपको यहीं से देना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में फिर से चले मेरे साथ और देखें यहां पे क्या लिखा है। यहां पे लिखा है, तब पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग और हर दास, हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में चट्टानों में जा छिपे। लोग भाग जाएंगे पहाड़ों चट्टानों गुफाओं में, अपने आप को छिपाएंगे और पहाड़ों चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो। पहाड़ों चट्टानों को कहते हैं, हम पर गिर पड़ो। वो मौत मांगने लगे, हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पे बैठा है उसके मुंह से जो सिंहासन पे बैठा है, मेमने के प्रकोप से छिपा लो। अब मेमना सिंहासन पे बैठा हुआ है। हालेलुया। राजा दे राजा बनके वो महिमामयी सिंहासन पे बैठा है। ये तुरी फूंकी जाती है यहां पे, लेकिन यूहन्ना ने लिखा नहीं उस तुरी के विषय में, पर बाइबल में है ये तुरी, समझ रहे हैं आप। और मैं आपको लेके चलता हूं इसके अगले चैप्टर में, वहां क्या हो रहा है। 7 अध्याय में आइए, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और उसका 9 वचन। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति, कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में
खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने मेमने के सामने खड़ी। मेमना सिंहासन पे बैठा है, मेमने का क्रोध पृथ्वी के ऊपर उतर रहा है। अंतिम तुरी फूकी गई है परमेश्वर की, और ये भीड़ है कलीसिया, ये उठ गई है। ये पृथ्वी के हर देश, हर मुल्क, हर भाषा, हर कुल, हर गोत्र, हर धर्म, हर जाति, हर नस्ल, हर युग में से, जितने युग गुजर गए, हर युग में से उद्धार पाए लोगों का झुंड है जिसे कोई गिन नहीं सकता। श्वेत वस्त्र मिले हैं, खजूर की टहनियां पकड़े, मेमने के सिंहासन के आगे मेमने की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने मत्ती 24 के 29, 30, 31 को पढ़ के आपको बताया, और फिर प्रकाशित वाक्य 6:12 से 17 में बताया पूरा सीक्वेंस क्या हो रहा है। हालेलुया। और कलीसिया उठा ली गई है और परमेश्वर की इबादत कर रही है, आराधना कर रही है। और 8 अध्याय में आइए प्रकाशित वाक्य। तब उसने सातवीं मोहर खोली जो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। अब सातवीं मोहर, ये मोहरें अलग हैं और कटोरे 7 अलग हैं, 7 तुरियां अलग हैं। जब उसने सातवीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा, स्वर्ग खामोश हो गया। आपको मालूम क्यों? ये पूरा पढ़िएगा, मेरे पास समय नहीं है अभी पूरा पढ़ने के लिए। मैं वचन पढ़ देता हूँ फिर भी आपके लिए, पर आप पूरा अध्याय पढ़ना, सुनिए। स्वर्ग में खामोशी क्यों छा गई? तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, उन्हें 7 तुरियां दी गई। अब 7 तुरियां दी गई हैं, 7 तुरियां जो 7 स्वर्गदूत फूकेंगे, और परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का दंड और सजा पृथ्वी के ऊपर उतरने वाली है। लेकिन स्वर्ग आधे घंटे के लिए खामोश क्यों है? फिर एक स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसे बहुत सा धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। ये लोगों की प्रार्थनाएं, परमेश्वर के संतों की दुआएं, जो हर युग में पिछले हजारों सालों में लोगों ने की, वो स्वर्ग में पहुंची है मेमोरियल के तौर पे। परमेश्वर ने उन प्रार्थनाओं को इकट्ठा किया और धूप के साथ मिक्स किया और एक दूत को दे दिया, सोने के पात्र में उसने डाला, और उसने कहा ये प्रार्थनाओं को धूप के साथ मिक्स करके प्रभु के आगे चढ़ाएं। सिर्फ सोने की जगवेदी पे प्रार्थनाओं को धूप में मिला के चढ़ाया, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थना सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसे वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजली और भूकंप होने लगा। लोगों की प्रार्थना, संतों की दुआएं, परमेश्वर के नाम के लिए शहीद हुए लोगों की दुआएं धूप में मिला के सोने की जगवेदी पर डाली गई। उसका धुआं यहोवा के सिंहासन की ओर चढ़ गया और आग जमीन पे उंडेल दी गई। अब 7 तुरियां फूंकी जाने वाली हैं। अब और दंड और न्याय पृथ्वी के ऊपर आने वाला है। तो ये जो तुरियां हैं प्रकाशित वाक्य की, और जो ये तुरी है जिसके विषय में मैं बता रहा था आपको, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 51-52 वचन में, और मैंने आपको बताया पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 16-17 वचन में, जिस तुरी की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो तुरी फूकी जाएगी, महान बड़ी तुरी है वो, प्रभु की तुरी फूकी जाएगी और प्रभु ललकार के साथ आ जाएगा और पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा और ऊपर आकाशीय जगहों में शैतानी ताकतें कोमा में चली जाएंगी, फ्रीज हो जाएंगी, और प्रभु हवा में आगमन करेगा। ये नैनो सेकंड में होगा, पलक झपकते। उसके लिए ग्रीक वर्ड अटोमस, एक सेकंड के शायद हजार में हिस्से में ये काम प्रभु करेगा और मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। हालेलुया। तो ये जो 7 तुरियां प्रकाशित वाक्य में फूंकी जा रही हैं, और ये तुरी जो प्रेरित पौलुस 40 साल पहले पत्रियां लिख रहा है, यूहन्ना 40 साल बाद इन 7 तुरियों की बात कर रहा है प्रकाशित वाक्य की, जो प्रधान दूत फूंकते हैं, लेकिन ये यहोवा की तुरी है। इसलिए कलीसिया 7 साल के सभाओं में नहीं जाएगी, कलीसिया महाकलेश से पहले उठाई जाएगी। हालेलुया। मैं प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय का एक वचन देता हूं, प्रकाशित वाक्य 11:15 सुने। जब 7वें दूत ने तुरी फूकी, अब 7वां दूत तुरी फूक रहा है, 7वीं तुरी,
तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और मसीह का हो गया और वो युगानुयुग राज करेगा। अब सुने ध्यान से, जब सातवीं तुरी फूकी गई, सातवीं तुरी के फूकने से पृथ्वी की सारी बादशाहियां, पृथ्वी की सारी सल्तनतें, पृथ्वी के सारे राज्य, पृथ्वी की सारी किंगडम यीशु मसीह के चरणों में आ गई। पृथ्वी के सारे राज्य, सल्तनतें, पृथ्वी का सारा वैभव, पृथ्वी का सारा यश, पृथ्वी की सारी गरिमा, पृथ्वी का सारा जलाल यीशु मसीह का है। लेकिन शैतान चोरी करके ले गया, और शैतान यीशु मसीह को, जब उसने 40 दिन उपवास रखा, यीशु मसीह को दिखाता है पूरी दुनिया, पूरी दुनिया की बादशाहियां, और यीशु मसीह से कहता है मुझे झुक के दंडवत कर, ये मैं तुझे दे दूंगा। अब यीशु मसीह ने जीत ली है पृथ्वी की सब बादशाहियां, पृथ्वी की सब किंगडम, पृथ्वी के सारे राज्य, पृथ्वी की सारी मानव जाति यीशु मसीह ने जीत ली। दूसरे भजन में लिखा है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी न करूं। जब यीशु जयवंत होकर स्वर्ग उठाया गया, पिता ने कहा मेरे दाहिने और बैठ। पिता सब यीशु के वैरियों को, पृथ्वी की कौमों को, सल्तनतों को, बादशाहियों को, राज्यों को यीशु मसीह के चरणों में झुका रहा है। और अंत में जब वो 1000 साल राज्य करने आ रहा है, हर घुटना झुकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो क्या कहता है प्रभु, मुझसे मांग, मैं पृथ्वी की कौमें तेरी मिरास के लिए दे दूंगा। भाई और बहनों, अगर आपने मांगना है तो परमेश्वर से मांगे दुनिया, परमेश्वर से कहें गिव मी आयरलैंड, गिव मी स्कॉटलैंड, गिव मी चाइना, गिव मी ताइवान, गिव मी ताइपे, गिव मी कनाडा, गिव मी यूएस, गिव मी ब्रिटेन, गिव मी नाइजीरिया, गिव मी बांग्लादेश, गिव मी श्रीलंका, गिव मी पाकिस्तान, गिव मी इंडिया। कौमें मांगे, ये है मांगना पिता से, वो आपको देगा मिरास करके। पिता सातवीं तुरी फूकने पर यीशु मसीह को सारे राज्य लौटा रहा है, सारे राज्य यीशु मसीह के हो गए, सब किंगडम यीशु मसीह की हो गई। ये घटना घटती है सातवीं तुरी फूकने के बाद। सातवीं तुरी फूकने के बाद कलीसिया उठाई नहीं गई, इसलिए कलीसिया सताव से नहीं गुजरेगी। यहां पे यीशु मसीह को पृथ्वी का राजा मुकुट रख के क्राउन किया जा रहा है। तो यीशु मसीह, ये जो तुरी में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो प्रेरित पत्रस, प्रेरित पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 15:51-52 में, पहला कुरिन्थियों 4:16-17 में, और 9:14 जकरिया नबी की पुस्तक में, ये परमेश्वर की तुरी है। ये तुरी जब फूकी जाती है तो यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, अपनी दुल्हन को ग्रहण करता है, हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य में से एक और वचन देता हूं, प्रकाशित वाक्य 11 निकालिए जल्दी से, प्रकाशित वाक्य 11 सुनिए, 17 15 मैंने पढ़ा, अब मैं 17 पढ़ता हूं, या 16 पढ़ता हूं। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे। ये 24 जो बुजुर्ग हैं, जो याजक हैं, ये हारून के पुत्रों में से इथमार और एलियाजर, दो बेटे रह गए, 4 थे, दो ने स्ट्रेंज फायर, दो ने अपवित्र अग्नि यहोवा के आगे अर्पण की, तो यहोवा की पवित्र अग्नि लिखी, दोनों को मार दिया। तो एलियाजर और इथमार, 1:16, 1:8, 24 बच्चे याजक यहोवा के आगे जो सेवा करते हैं, ये वो 24 याजकों का झुंड है। ये मलकीसदक का ऑर्डर है याजकों का, ये यहोवा के सिंहासन के आगे बैठे हैं अपने अपने सिंहासनों पे, ये दंडवत करके कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो है, जो था और जो आने वाला है। हाइया आइया एहिया अशर एहिया, एहिया अशर एहिया, आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं उस परमेश्वर की। तूने अपनी बड़ी सामर्थ के काम, सामर्थ के काम को राज्य में किया है, जाति ने क्रोध तो किया पर तेरा तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है
कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्य वक्ताओं और पवित्र लोगों को, उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं, बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। तब क्या लिखा है? तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। हालेलुया। आपको मालूम न्याय नियम कोइने ग्रीक भाषा में लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य में कोइने ग्रीक के अंदर जो गलती की गई, ग्रामर में एक टेंस है ग्रीक ग्रामर में जिसे एवरेस्ट टेंस कहते हैं, AORIST, एवरेस्ट टेंस। ये जो टेंस है ग्रीक भाषा में, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बाद एक और टेंस है, AORIST, एवरेस्ट टेंस, टेंस। इसके विषय में ये विडंबना है कि इस टेंस के अंदर यदि कोई सेंटेंस बना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है कोई भी, उसका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव कुछ भी है, उसका मतलब या फ्यूचर भी हो सकता है और पास्ट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि शब्द को कैसे ग्रामर में यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो कुछ बातें हैं कोइने ग्रीक लिखने वालों ने उस समय खोजी भी नहीं थी, जो अब इस समय में प्रकट हो रही है। तो ये जो बातें हैं यहाँ पे, ये पास्ट टेंस में थी, जिसे किंग जेम्स वर्जन में, किंग जेम्स वर्जन जो था 16वीं सदी वाला, उसमें गलत टेंस में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया। लेकिन NASB, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल जो 1905 में पब्लिश हुई, उसमें इसको करेक्टली किया गया कोइने ग्रीक के अंदर। तो जो ये तुरी फूकी जाती है, अंतिम तुरी, उसके बाद परमेश्वर की मिस्ट्री, परमेश्वर का भेद पूरा हो गया हमने पढ़ा। तो ये परमेश्वर की मिस्ट्री क्या है? ग्रीक वर्ड है मिस्ट्रियोन। परमेश्वर की मिस्ट्री ये है कि वो भेद जो पहले प्रकट नहीं किया गया था, प्रकट किया गया है। अर्थात जो पुराने नियम के संतों को बातें पता नहीं थी, वो नए नियम में प्रकट की गई है। जैसे पुराने नियम के संतों को दुल्हन के बारे में पता नहीं था, क्रूस के विषय में संपूर्ण ज्ञान नहीं था, मसीहा की सलीबी मृत्यु का, पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का, पवित्र आत्मा के मरणहार मनुष्यों की देह में डेरा करके रहने के विषय में मुकम्मल तौर पे पता नहीं था। आपके लिए प्रकाशित वाक्य में से, प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसका 7 वचन, वरन 7 में दूध के तुरी फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दासों भविष्य वक्ताओं को दिया है पूरा होगा। ये फ्यूचर टेंस है, पूरा होगा। ये तुरी अलग है, ये अंतिम तुरी, जब ये 7 तुरियां 7 सुपर एंजल आर्क एंजल फूंक रहे हैं प्रकाशित वाक्य में। लेकिन वो जो तुरी है वो स्वयं परमेश्वर फूंक रहा है और प्रधान दूत की ललकार के साथ प्रभु लौट के आ रहा है। हालेलुया। हमारा प्रभु आ रहा है भाइयों बहनों, कलीसिया सताओं में से नहीं जाएगी। हालेलुया। लेकिन वो आ रहा है उस दुल्हन को लेने जिसने अपने आप को तैयार किया है आगमन के लिए, दूल्हा के आगमन के लिए, अपने दूल्हा के लिए जिसने तैयारी कसी है, उस दुल्हन को लेने के लिए हमारा प्रभु आ रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु अपनी दुल्हन को तैयार कर, अपने अपने जीवन के लिए दुआ मांगे कि परमेश्वर आपको तैयार करे इस कलाम के निर्मल पानी से। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय में लिखा है वो अपनी दुल्हन को धोता है, इससे, इसके पानी से धोया जाता है, मेमने के लहू से श्रृंगार किया जाता है, पवित्र आत्मा की आग में रिफाइन किया जाता है दुल्हन को, और वो दुल्हन तेजस्वी जलाल से भरी है, श्वेत वस्त्र पहने और उसके अंदर आग जल रही है, मशाल में आग है, तेल भी है और आग भी है, और वो दूल्हा के लिए तैयार है, उसे दूल्हा लेने आ रहा है। भाई और बहनों तैयारी करें कि आप उठाए जाएं। प्रभु में जितने लोग ऑनलाइन, एक एक पे तेरा लहू छिड़कता हूँ,
प्रभु इस वचन पे तेरा अभिषेक हो, तुरियों का भेद लोगों को समझ आए और ये लोग तुरियों का भेद दूसरों को समझाएं। तेरा खून तेरे एक दास पे छिड़कता हूँ प्रभु। सब मिलके प्रार्थना करें, एक काम है जो मैंने परमेश्वर के हाथों में सौंपा है, कोई पेपर वर्क है जो किसी जगह गया हुआ है हमारा, उस पेपर वर्क पे यीशु मसीह का लहू लगाइए, यीशु मसीह अपनी मोहर लगाए अप्रूवल की और वो अप्रूव हो जाए। हालेलुया, उसका जवाब जल्दी आ जाए अप्रूवल का और परमेश्वर एक चमत्कार करे अपने दास के लिए, मेरे लिए, मेरे घराने के लिए। मैं चाहता हूँ सब मिलके प्रार्थना करें प्रभु, एक अद्भुत चमत्कार उसके ऊपर अप्रूवल की मोहर लग जाए। मैं तेरा लहू उन पेपर वर्क छिड़ता हूँ, जो उन्हें देखे उनके ऊपर तेरा लहू आ जाए, तेरा हाथ उन्हें छूए प्रभु। मैं तेरे इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग ऑनलाइन है, जो भी इनके जीवन के मसले हैं, जो भी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, प्रार्थना विनतियां हैं प्रभु, उन्हें तेरे हजूर में उठाता हूँ। अपनी कृपा को उंडे, अपने अनुग्रह को उंडे प्रभु। हम जब उपवासों में ठहरे हैं, हमें उपवास रखने का बल स्वर्ग से दे, स्वर्ग से दे। हम अपने जोर से, अपनी शक्ति से नहीं कर सकते प्रभु, हमें तेरा जोर चाहिए, तेरी सामर्थ्य चाहिए। हमें अपने और नजदीक खींच, अपने खून के भाड़े में रख। मैं अपने घराने को, परिवार को, पत्नी को, बच्चों को, अपनी माँ को, भाइयों को, उनके घराने को, पास्टर चंद्र को, उनकी पत्नी को, उनकी बेटी को, खास करके उनकी माँ को, उनके घराने को आपके आगे लाता हूँ। तेरे लहू की ओट में हमें रख, हमारे जीवनों में गहरा काम कर प्रभु। ये पवित्र पर्व का दिन जब तू स्वर्ग से अपना चेहरा हमारे ऊपर चमकाएगा, अपने लोगों पर अपना चेहरा चमका, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, बरकत दे अपने लोगों को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप में से अगर किसी के दिल में परमेश्वर कोई बीज बोने के लिए अपने राज्य के लिए कहता है, तो प्लीज जरूर बीज बोना, मुझे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा कैसे आप बीज बो सकते हैं प्रभु के काम के लिए, प्रभु के राज्य के लिए और परमेश्वर के दासों के लिए। प्रभु आपको बरकत दे। जय यीशु मसीह।